नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज का हमारा जो वीडियो है, ये जो टमाटर का प्लांट होता है उसके ऊपर है कि जब आपके टमाटर के प्लांट पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए वो रेडी हो जाए तो आपको क्या क्या काम करने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और आप ये देख ही रहे हैं, ये हमारा जो टमाटर का पौधा है इस पर फ्लावरिंग अच्छे से अब स्टार्ट हो गई है और नए नए जो फ्लावर्स हैं इन पर आने शुरू हो गए हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देखिए, ये नई नई ग्रोथ और नई नई फ्लावरिंग इन पर शुरू हो गई है। तो इस समय पर हमने क्या क्या काम करने हैं अपने पौधे को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, ताकि जो फ्लावरिंग अभी आई है वो फ्रूटिंग में बदले और आपके जो फल हैं, जो टमाटर हैं, वो अच्छे से बड़े हों। तो सबसे पहले तो हमने जो अपना प्लांट है उस प्लांट को देखना है कि किसी तरह का कोई कीट पतंगा तो नहीं लगा है, और साथ ही जो आपके टमाटर की जो नीचे ये ब्रांचेस हैं जो ज़मीन से सटी हुई हैं, ये देखिए, इनको ये जैसे इस तरह की ये ब्रांच है तो इनको हम सकर्स बोलते हैं। तो इन सकर्स को हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो पौधे की एनर्जी है सबसे ज़्यादा ये ख़राब करते हैं। तो जैसे मैंने ये सकर्स हटाया है और साथ में ये जो दूसरी नीचे लगी हुई ब्रांच है इसको हटाया है, तो इस तरह से आप भी इसको रिमूव कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहेगी और जो हम इसको फर्टिलाइज देंगे वो जो उसका यूज़ है वो अच्छे से हो पाएगा। तो ब्रांचेस हमने रिमूव कर ली हैं और ये अब हमारा जो नीचे सरफेस है ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इस तरह से अब आपने ये कर लेना है और करने के बाद अपने जो पौधा है उसको अच्छी तरह से उसकी निराई गुड़ाई कर देना है। तो इस तरह से हमने जो अपना प्लांट है उसकी मिट्टी को थोड़ी सी हल्की कर देना है। और जो ये आप देख रहे हैं इसमें कुछ घास वगैरह उगी हुई है ये भी हटा देनी है। तो हमारी मिट्टी हमने ढीली कर ली है प्लांट की और अब बारी आती है एक ज़रूरी काम की। पहले तो मैं वो बता देता हूँ, ज़रूरी काम ये है कि जो आपके प्लांट है, अब देखिए ये मेरा जो पौधा है टमाटर का, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसमें आपने एक सपोर्ट देनी है। और सपोर्ट देने के लिए आप कोई भी डंडी ले सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये एक बांस की आप डंडी है, देखिए इस बांस की डंडी को मैं एक सपोर्ट के तौर पे इसमें ऐसे ही जो हमारा पौधा है उससे थोड़ी दूरी पर इसको लगा देंगे और अच्छे से नीचे थोड़ा सा इसको दबा देंगे। अब अपने प्लांट को सहारा देंगे और हमारा जो प्लांट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस पर जो है वजन ज़्यादा हो जाएगा, जो फ्रूटिंग है वो आएगी, तो हमारा प्लांट नीचे ना गिरे इसके लिए हमने इसको सपोर्ट ऐसे दे दी है। ये देखिए, ये सपोर्ट हमने इसको दे दी है। ऐसे ही जो जितने भी प्लांट हैं हमारे उन सबको हम सपोर्ट दे देते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो इस तरह से सपोर्ट देने के बाद इसको आप किसी हल्की रस्सी से भी आप उनको बांध सकते हैं ताकि इधर उधर साइड में ना गिरे। मेरे पास फ़िलहाल रस्सी नहीं है तो मैं इनको बाद में बांधूंगा। ऐसे सपोर्ट देने के बाद फिर हमने इनको फर्टिलाइज करना है और फर्टिलाइज़र कौन कौन से देने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये तीनों फर्टिलाइज़र हमने देने हैं। और जो इनके नाम हैं, सबसे पहले तो ये बोन मील है और दूसरा ये इधर सरसों की खली का पाउडर है और इधर ये तीसरा जो है ये बर्मी कंपोस्ट है। तो ये तीनों फर्टिलाइज़र अलग अलग काम करेंगे। इनमें जो एक तो हमारा जो बोन मील है वो कैल्शियम का काम करेगा, जिससे जो हमारे
पौधे हैं वो मजबूत होंगे, उनका तना मजबूत होगा, उनकी जड़ मजबूत होगी। और जो हमारे दो फर्टिलाइज़र और हैं, इसमें एक तो सरसों की जो खली है उसका पाउडर है, एक बर्मी कंपोस्ट है। आप बर्मी कंपोस्ट की जगह गाय के गोबर की खाद भी ले सकते हैं, जो अच्छे से पुरानी हो, लगभग 2 साल पुरानी तो होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर पुरानी नहीं होगी तो उसमें अच्छे से इतना जो ये पोषक तत्व हैं वो इतने नहीं होते हैं, तो इस तरह से आप वो भी ले सकते हैं। बाकी इनके जो काम है वो है कि पौधे को कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं पौधे को ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, वो सारे इनसे मिलेंगे। तो इनको आप जो मात्रा है उनकी वो एक एक चम्मच तीनों की ले लीजिए। और चूँकि हम थोड़ा ज़्यादा बूस्ट चाह रहे हैं अपने प्लांट पर, ज़्यादा ग्रोथ चाह रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं हम, जो हमारा बर्मी कंपोस्ट है उसकी 2 चम्मच और बाकी बोन मील और सरसों की खली का जो पाउडर है उसकी 1-1 चम्मच हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये फर्टिलाइज़र है, ये आप 1 चम्मच ये अपने पौधे में ऐसे बुरबुरा दीजिए, और दूसरा 2 चम्मच जो हैं वो अपने पौधे में, ये हमारा जो बर्मी कंपोस्ट है इसकी आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। अगर आपका पोट बड़ा है, मेरा पोट लगभग 12 इंची का है, अगर आपका बड़ा पोट है तो उस हिसाब से आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर पोट छोटा है तो आप कम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो ये हमने इनको दे दिया है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप बोन मील नहीं डालना चाहते तो ये एग सेल हैं, अंडे के छिलके, इनको भी आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये भी। इस तरह से आप इनको टुकड़े करके, सुखा करके ये भी आप डाल सकते हैं। तो चॉइस है, तो जिस तरह से आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें ही बहुत अच्छा काम करेंगी। और ये डालने के बाद आपको हल्के से अपनी मिट्टी में इनको मिला देना है, और मिलाने के बाद इनको इसमें वाटरिंग कर देनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो खाद हम दे रहे हैं इसको देने से पहले आपके जो पौधा है उसकी मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा काम करेगा फिर। तो अब वाटरिंग का समय, इनमें हल्की सी वाटरिंग कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे मैं इसकी अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि ये जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है इसका क्या क्या असर हुआ है और कितना हमें फ़ायदा हुआ है, ये सारी जानकारी आगे वीडियोज में मिलती रहेगी। तो चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आगे आने वाली वीडियोज के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।